हर हर महादेव श्री शिवाय नमः शिवम। नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अलग अलग दिन अलग अलग माता का होता है। उसी तरीके से माता रानी का जो दूसरा दिन होता है वह होता है ब्रह्मचारिणी माता का। माता रानी का स्वरूप साक्षात परम भक्ति माता का स्वरूप है, जो एक हाथ में कमंडल है और दूसरे हाथ में माता के माला है, जो एक तपस्या स्वरूप माता का दिखाई देता है, तपस्या में लीन रहने वाली माता, और हमेशा भगवान शिव की आराधना में अपना व्यक्त व्यतीत करती है माता रानी। तो इसी तरीके से माता रानी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की दूसरे दिन पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों के अंतर्गत अलग अलग सिद्धियों को प्राप्त करने का भी विधान बताया गया है। लेकिन अगर हम अपने घर के अंदर सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें 2 लौंग का बहुत ही चमत्कारी उपाय करना है जो शास्त्रों वर्णित है, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा तो जाएगी, अगर कोई काम नहीं बन रहे हैं तो भी बनने लग जाएंगे, क्योंकि माता रानी ब्रह्मचारिणी सफलता को प्राप्त कराने वाली माता है। यानी कि अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो आप ही बस ये काम करो, आपका वो काम बनने लग जाएगा। आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हो। आपको क्या करना है, लेना है लौंग और कपूर। आपको कपूर लेना है जो देशी कपूर बाजार में मिलता है साथियों, वो लेना है। आपको गोल घोटी वाला नहीं लेना है, इस तरह से देशी कपूर मिल जाएगा। आपको 2 से 3 आपको लौंग ले लेना है, जिनके ऊपर इस तरह से टोपी हो वो 3 लौंग आपको ले लेना है। 2 ले लीजिए या 3 लौंग आप ले लीजिए। फिर आपको अगर आपके पास जोत जलाने का है तो उसमें, नहीं तो आप किसी भी पात्र में इनको रख कर और आप जला लीजिए। फिर अपने पूरे घर में इस जोत को लेकर के घूमिए। लौंग और कपूर जो आपने जलाया है उसको अपने घर के हर एक कोने में लेकर के घूमिए। माता रानी ब्रह्मचारिणी का आप स्मरण करते रहें, पूरे घर में आप लेकर इसे घूमिए। जो इसका काला काला धुआं निकलेगा साथियों, आप देख सकते हो इस तरीके से, तो पूरे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होगी खत्म हो जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी, घर के अंदर शांति समृद्धि का वास होता है। तो आप लगातार कुछ दिनों तक, नवरात्रि के कुछ दिनों तक इस उपाय को तो आप जरूर से और जरूर से करिए। आप किसी भी समय कर सकते हो और यह इतना चमत्कारी उपाय है कि अगर आप हवन शांति यज्ञ नहीं भी करके सिर्फ आप इसे ही करते हो तब भी आपके घर के अंदर लक्ष्मी का निवास होगा। आपके जो काम नहीं बन रहे वो काम बनना प्रारंभ हो जाएंगे। आप नवरात्रि में ही इनका चमत्कार देख सकते हो। हाँ साथियों, हमेशा की तरह एक बार फिर से वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें। हर हर महादेव, जय श्री कल्याण।